नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको YouTube चैनल प्रोमो सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन लेकर गए हैं जो कि हमारे दीपक सर आप लोगों को एक शॉर्ट एंड कट ट्रिक में बताएंगे और देखते ही देखते इसका आंसर आपके साथ में आएगा। आइए देखते हैं ये सर जो है आप लोगों को कैसे स्टडी कराते हैं। चलिए सर, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं और हाइट एंड डिस्टेंस में पहले जो एक वीडियो बनाया गया उसमें कुछ बेसिक बात बताई गई जिसका यूज करके हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। मेरे हाथ में एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 का और एक्सरसाइज 9.1 हम लोग ये कुछ आज कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एसी गिवन है और आपका एंगल सी गिवन है। अब इसमें एवी का वैल्यू पुट करना है, एवी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए जैसे कि हम आपको बताएं कि आप वैल्यू जो है साइन का याद करिए और टैन का याद कर लीजिए, बाकी जो है कैसे आपको उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे या आपका आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए एबी जो है आपको निकालना है और एसी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा याद करिए, साइन को याद करिए आप। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यही हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री, और उसके बाद फिर यहाँ पे पी है आपका एबी और एसी आपका गिवन है 20। साइन 30 का वैल्यू जहां तक याद करिए आप 1/2 होता है और ab = ab/20। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ab = 10 बस बन गई है सवाल, बहुत आसानी से बन गया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता साइन 30 का तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाते, और ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना था और मेरे को हाइपोटेनियस दिया हुआ था और एंगल हमको मालूम था, साइन 30 पुट किया, बन गया आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप एक क्वेश्चन है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 11। सारे सवाल एक ही जैसे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और वैल्यूज, बस और कुछ नहीं है। इसमें देखिए अब इसमें आप लोगों को निकालना क्या है मैं बता दूं जरा सा, ए बी आपको फाइंड करना है और बी सी आपको फाइंड करना है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें आप लोग क्या पुट करेंगे ये आप देखिए। अब इसमें ये एंगल भी दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम जो है टैन 60 अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें tan 60 वैल्यू अप्लाई करते हैं, tan 60 डिग्री। अब देखिए आप पूछ सकते हैं हमसे यहाँ पे जो है tan 60 ही क्यों अप्लाई किया गया, cos भी ले सकते हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, इसलिए जो है, और बी सी का वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, तो दोनों में बी सी हम कॉमन लाने के लिए जो है tan 60 अप्लाई करते हैं। tan का होता है क्या, पी बाई बी होता है, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। अब इसको tan 60 जो है आपका हो जाता है कितना, √3 होता है। इस तरीके से एक आपको इक्वेशन मिल गया, इसमें AB इक्वल टू √3 BC। फिर अगेन हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में आएंगे, यानी कि ADB में, इन ट्रायंगल ADB, और फिर हम tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 जो है डायरेक्ट क्या होता है, 1/√3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 20+ BC। पहले P ले लेते हैं AB, और ये हो जाएगा आपका 20+ BC हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी एक AB आएगा, यानी कि √3 AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20+ BC। आप इसको और इवेल्युएट करिएगा,
तो आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 20 प्लस बी सी बाई रूट थ्री। इस तरह से इसमें भी ए बी आया, इसमें भी ए बी आया, दो इक्वेशन आपके पास मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आ जाएगा। थैंक यू।